अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 363 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस्ट पेपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ईजीली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानब। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मदरजा ज़ैल पर खत लिखें। अपने दोस्त के नाम खत लिखें जिसमें से अपने मौजूदा इम्तिहान का हाल तहरीर करें। नेक्स्ट लिखना है, अपने दोस्त के नाम खत जिसमें से छुट्टियों में अपने पास आने की दावत देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखना है कि आपके कॉलेज में 14 अगस्त के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हो रही है, मेहमानों को दावत के लिए एक रस्मी खत लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, योम इकबाल की तकरीब की रवादाद लिखें या फिर किसी तकरीब के आंखों देखा हाल की रवादाद लिखनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मदरजा ज़ैल पर मुकालमा लिखें। दो दोस्तों के दरमियान तलीम के मौजू पर मुकालमा हो सकता है, दो दोस्तों के दरमियान खेल की अहमियत और लोड शूटिंग के मौजू पर दो दोस्तों का मुकालमा लिखें। एंड नेक्स्ट मुकालमा है, डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मदरजा ज़ैल की तारीफ करें और मसाले भी दें। ठीक है, इनमें है हरूफ रबत, तशबिया, कनाइया, मजाज मरसल, अस्तआरा, अस्तआरा और अरकान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्जा ज़ैल अज़ाफ की वजाहत करें। ठीक है, इनमें है कसीदा, गज़ल, नात, रबाई, अमदादी फ़ाल, मरसिया, किता, रवदाद नवीसी, मसनवी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एक नज़म का खुलासा लिखें जैसे जिनमें है अंजाम, आदमी, सुबह का मंजर, हज़रत फातिमतुल ज़हरा का जहेज़। एंड नेक्स्ट है खरा डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी एक सबक का खुलासा लिखें, गुलामी एक लानत, तलीमे बालगा, आंगन, फसाना आज़ाद और लास्ट जो नज़म है ये परी चेहरा लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सियाको इसबाक के हवाले से मदरजा ज़ैल में से दो की तशरीह करनी है किताब में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन्नत व नशर की वजाहत करें। नेक्स्ट है, बादशाह अकबर की बेजादारी से क्या नुकसान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, उर्दू का पहला नावल कब और किसने लिखा। नेक्स्ट है, बढ़ती हुई आबादी और कम पढ़ते हुए मसाइल का हल क्या है। नेक्स्ट है, गालिब की मकतीब की 3 खसूसियत तहरीर करें। नेक्स्ट है, नावल आंगन का मौजू क्या है। नेक्स्ट है, तशबिया से क्या मुराद है। एंड नेक्स्ट है, मावन फेल की तारीफ करें। नेक्स्ट है, मुशब्बा किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, मकातब नगारी के मुख्तलिफ इकसाम लिखें। नेक्स्ट है, मकातब के 5 मजमू के नाम लिखें। नेक्स्ट है, बड़े चचा ने छम्मी को मुस्लिम लीग का इजलास क्यों नहीं देखने दिया। नेक्स्ट है, रबाई से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कहानी से क्या मुराद है। नेक्स्ट है, किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन मतला से क्या मुराद है। नेक्स्ट है, गज़ल के इस्लाही मैनी क्या है। नेक्स्ट है, सर सैयद और मोहम्मद हसैन आज़ाद के सफ़रनामों के नाम बताएं। एंड लास्ट पॉइंट है, गुलामी के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई से 5 अशार की तशरीह अपनी किताब से करें। ठीक है, अशार आपने अपनी किताब से करने हैं और इसके अलावा और सियाको सबाक के हवाले से तशरीह जो सी है वो भी आपने बुक में से सारी कर लेनी है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और लेटर हो गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और मेरी भी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।